ये देखिए इसमें कितनी सुंदर लेयर्स आई हैं। अब हम इसको तोड़ के चेक कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही। ये साउथ इंडिया की फेमस डिश है, पर ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ साउथ इंडिया में खाया जाता है, बल्कि इसको पूरे देश में बड़े ही शौक से खाया जाता है। इंडिया के पड़ोसी देशों में भी यह बहुत फेमस डिश है। इसको हम इंडियन डोनट्स भी बोल सकते हैं और इसे किसी भी फेस्टिवल में बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब चलिए शुरू करते हैं बालूशाही बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। इसको हम सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। अब इसमें मैं मिलाऊंगी बेकिंग पाउडर। ये 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैंने लिया है। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप घी। घी डालने के बाद हमें इसको हाथों से मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार करेंगे। लेकिन पानी डालते समय इसको बहुत जोर से हमें मथना नहीं है, इसको हल्के हाथों से ही हम मथेंगे। आप देख रहे हैं मैं इसको ज्यादा नहीं मथ रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसको मथना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से नहीं मथा है, इसमें लेयर्स आपको दिख रही होंगी। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे, जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। चाशनी बनाने के लिए पैन में मैं डालूंगी 3/4 कप पानी और साथ में 1.5 कप शुगर। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे चीनी रिजॉल्व होने तक पकाएंगे और साथ में इसको थोड़ी थोड़ी देर में हम चलाते रहेंगे। ये देखिए चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। अब हम लो फ्लेम करके इसको 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। लगभग 3 मिनट हो गए हैं, चाशनी हमारी पक के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी इलायची का पाउडर। ये मैंने 4-5 इलायची ली है और इसको बारीक कूट लिया है। साथ में मैं इसमें मिलाऊंगी 5 से 7 बूंद नींबू की। नींबू डालने से चाशनी में परत नहीं आती है, जैसे कि आपने देखी होगी शक्कर पारे पे परत होती है, तो नींबू डालने से वो परत नहीं चढ़ती है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे। लगभग आधा घंटा हो गया है, हम डो को चेक कर लेते हैं। ये डो हमारा सेट हो गया है, हमें इसको अभी भी मथना नहीं है। अब हम इसको एक प्रोसेस करेंगे, इसको इस तरह से तोड़ेंगे। ये देखिए इसमें लेयर्स आपको दिख रही हैं। ये हमने तोड़ा, इसको ऐसे फ्लैट करेंगे, थोड़ा सा इस पे घी लगाएंगे और इस वाले एक पार्ट को भी इसके ऊपर चिपका देंगे। फिर वापस से हम इसको तोड़ेंगे, अगेन इसके ऊपर घी लगाएंगे और इस वाले पार्ट को चिपका देंगे। इस तरह से ये प्रोसेस हमें लगभग 8 से 10 बार करना है। ये देखिए इस तरह से इसको हम लगातार करते रहेंगे, इससे ये देखिए लेयर बहुत ही अच्छी आएंगी और चाशनी इसमें अंदर तक जाएगी। ये प्रोसेस मैंने लगभग 10 बार कर लिया है। अब हम इस तरह से इसको हल्के हाथों से रोल करेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स तोड़ेंगे, जिस भी साइज में आपको बालूशाही बनानी है उसी साइज में, और इसको इस तरह से घुमाएंगे। हमें हाथों का प्रेशर ज्यादा नहीं देना है, नहीं तो लेयर्स अच्छी नहीं आएंगी। ये देखिए बहुत ही हल्के हाथों से मैं इसको कर रही हूँ, बस इस तरह से। ये दिख रही है आपको लेयर। अब इसमें सेंटर में होल कर देंगे, जिससे बालूशाही बहुत ही अच्छे से पकेगी और चाशनी भी अंदर तक जाएगी। ये देखिए ये बनके तैयार है। इसको हम प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से बाकी बालूशाही भी पहले हम बना के तैयार कर लेंगे। इन सभी को मैंने बना के तैयार कर लिया है, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे तलने हैं, तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर हम इसको रखेंगे और इसमें ज्यादा एक साथ नहीं डालेंगे।
अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये थोड़ी सी तल के ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद हम इसको हिलाएंगे। गैस हम लो टू मीडियम रखेंगे। ये देखिए ये तल के थोड़ी थोड़ी ऊपर आ गई है, अब इसको थोड़ा थोड़ा सा हम चलाएंगे ताकि इसे तला ना लगे। अभी ये नीचे से थोड़ी गोल्डन हो जाएगी, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। बस याद रखिएगा फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही होनी चाहिए, बिल्कुल तेज नहीं होनी चाहिए। ये नीचे से थोड़ी थोड़ी गोल्डन हो गई है, अब हम इन सबको टर्न कर देंगे और इसी तरह से लो फ्लेम पे ही हम दूसरी साइड से भी इसको तलने देंगे। ये सभी तरफ से अच्छे से तल के तैयार हो गई है, एकदम गोल्डन ये दिख रही है। ये देखिए ये अच्छे से तल गई है और ये थोड़ी थोड़ी फूल भी गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे। और इसी तरह से बाकी बालूशाही भी मैं तलकर तैयार कर लूंगी। जब तक दूसरा बैच तैयार हो रहा है तब तक हम इन बालूशाही को चाशनी में डाल लेते हैं। ये चाशनी अभी गर्म ही है, अगर आपकी ठंडी हो जाए तो आप उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिएगा। गरम गरम बालूशाही को ही हमें चाशनी में डालना है। ये बाकी बची हुई बालूशाही को भी मैंने निकाल लिया है, इसको भी हम चाशनी में डिप कर देंगे। ये सभी चाशनी में मैंने डिप कर दी है, अब इसको लगभग 10 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, हम बालूशाही को निकाल लेते हैं। ये देखिए चाशनी में अच्छे से डिप हो गई है, मतलब इसमें चाशनी चढ़ गई है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये सभी बालूशाही को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसको पिस्ते से गार्निश कर देंगे। ये सभी को मैंने पिस्ते से गार्निश कर लिया है। ये देखिए इसमें कितनी सुंदर लेयर्स आई हैं। अब हम इसको तोड़ के चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें चाशनी अंदर तक चली गई है और लेयर्स भी हमें अच्छे से दिख रही है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।